नानी, आप यहाँ क्या कर रही है और ऐसे चोरी छिपके क्यों आई है? चुराने। हमारे घर की खुशियाँ हमेशा से इन्होंने यही तो किया है। आई एम श्योर आज भी इसी इरादे से आई होंगी। बोले क्यों आई हैं आप यहाँ? वेरी बैड अनु आंटी। बुआ जी, कहीं मम्मी जी की चाबियाँ इन्होंने ही तो नहीं चुराई? इनके आते ही चाबियाँ गायब हो गई। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? किया बिल्कुल ठीक कह रही है। मौसम का बिगड़ना, ये भी मेरी गलती होगी ना। अरे आप मुझे बोलने का चांस क्यों नहीं देते? चांस देकर क्या फायदा होगा आंटी? आप बोलेंगी तो झूठी। पापा जी पुलिस वाले को फोन करते हैं। जीजी, अरे पार्टी में कील किसने चुबो दी? शोर, अब तो मुझे ही कील चुभ गई। जीजी, दिव्या, ये चाबी मैंने टेबल पे रखी थी। हाँ जीजी, वो मुझे अपनी ज्वेलरी सेफ में रखनी थी ना, तो मैंने वहां से ले ली थी। तो क्या है कि सेल्फी वेल्फी भी हो गई थी, तो मैंने सोचा अपनी ज्वेलरी रख दूं। शोर, थैंक यू सो मच दिव्या जी, थैंक यू सो मच। अब आप सब लोगों को यकीन हो गया ना कि आपकी ये कीमती चाबी ये मैंने नहीं चुराई है। आंटी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, मुझे बोलने का चांस ही किसी ने नहीं दिया यहाँ। अनुजी, अब बता दीजिए आप यहाँ आई क्यों हैं? मदद मांगने आई हूँ। सब जगह से हार कर यहाँ आप लोगों के पास मदद मांगने आई हूँ। बाकी जो जानने वाले थे उन्होंने भी मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। शायद मैं ऐसी लायक हूँ। हमारे घर की पार्टी में आप अपनी पिटी पार्टी क्यों कर रही हैं? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? इनकम टैक्स ने मेरे घर में रेड मार दी है। मेरा घर सील हो गया है, मेरे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं। मैंने कभी भी बिना अपने फायदे के किसी की मदद नहीं की। शायद इसलिए कोई भी मेरी मदद करने को राजी नहीं है। बट इट्स ओके, आप लोग चाहे तो मेरे इस हाल पर खुश हो सकते हैं। दूसरों के दुख में खुशियां मनाने वाले हम नहीं है नानी। आपने अभी तक बताया नहीं कि आपको हमसे क्या चाहिए। दो वक्त का खाना और सर छुपाने की जगह। मेरे पास जो कुछ भी था इनकम टैक्स वाले ले गए। मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया। मैनेजर्स और वकील सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं पता कितना टाइम लगेगा। मैं जानती हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जहाँ हिमली हो वहाँ मदद जरूर मिलेगी। अति सॉरी नानी, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरा बोलना नहीं बनता हिमली, लेकिन मैं तेरी नानी हूँ बेटा। सही कहा आपने, इतने सालों बाद आपका ये कहना नहीं बनता। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। इमली, आंटी एक्चुअली प्रॉब्लम में है। नानी जेल में है। इनकी हालत इनकी जेल है, इनकी सजा है, और सबको अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। आप प्लीज यहां से चले जाइए। इमली, सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।